नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक विशेष मकसद से आया हूँ। भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये कोरोना वायरस एक बार फिर हमारे देश में फैलकर देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है और देशवासियों को कोरोना वायरस ने डर और भ्रम का माहौल फैला दिया है। मेरी आप सभी देशवासियों से एक यही अपील है कि आप लोग डरे नहीं, बल्कि इस कोरोना वायरस से जमकर मुकाबला करें, जैसा कि हमने कोरोना की पहली लहर में किया था। कुछ विशेष सावधानियां हमें अपनानी हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचाकर रख सकते हैं। जैसे कि हमें एक दूसरे से बात करते समय या मिलते समय 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। घर से बाहर जाते समय या फिर किसी से बात करते समय हमें हमेशा मास्क का यूज करना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन सुरक्षित भी है और प्रभावी भी है, इसलिए अपना नंबर आने पर हमें वैक्सीन जरूर से जरूर लगवानी है। अभी हमने पूरे देश के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर, नर्सेस और पुलिस और सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर, इन सबको प्राथमिकता के साथ वैक्सीन का डोज लगवाया है। अब हमारी प्राथमिकता 45 साल से ऊपर के जो भी बुज़ुर्ग और 45 साल पर से ऊपर के लोग हैं, उनको वैक्सीन लगाने की है। दोस्तों, हमारे देश में बने हुए वैक्सीन प्रभावी भी हैं और इसमें रोग से, कोरोना से लड़ने की पूरी क्षमता है। 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने के बाद फिर 18 साल से ऊपर के जो युवा वर्ग के लोग हैं, हम उन्हें वैक्सीन के डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मेरी आप सभी देशवासियों से ये गुजारिश है कि अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं और देश को कोरोना से लड़ने में मदद करें। और हाँ, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में ही बने रहें और अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। दोस्तों, वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता, ये बुरा वक्त है, यह भी जल्दी गुजर जाएगा और फिर से वही पहले वाले दिन वापस आ जाएंगे। इसलिए कुछ दिन की बात है, सावधानियों की पूरी सावधानियां रखें और अपनी और अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखें। आप और आपका परिवार इस कोरोना बीमारी से स्वस्थ रहे और बचकर रहे, मैं प्रभु से ऐसी कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। नमस्कार देशवासियों।